गुड इवनिंग टू ऑल माय डिजिटल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? तो गाइज, जैसे कि आप लोग अच्छे से पता ही होगा कि आज अगस्त 8 है, राइट? मतलब बाकी लोगों के लिए ये तो बस अगस्त 8 है, बट जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर किसी भी तरह के हायर सोल के जर्नी में है, ये जो 8-8 पोर्टल है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ये जो पोर्टल है ना, ये सारे पोर्टल का किंग है। इसे लायंस गेटवे ऑफ पोर्टल भी कहा जाता है, ठीक है? तो इस पोर्टल में क्या होता है कि हमारे यूनिवर्स में स्टार्स का कुछ ऐसी अलाइनमेंट होता है सन के साथ, जिसकी वजह से एक ऐसी गेटवे ओपन होता है, जिस गेटवे में अगर आप एंटर करते हो ना, तो आप आपकी जो हायर सेल्फ है या फिर जो हायर रियल्म की जो एनर्जी है, जो हायर डायमेंशन की एनर्जी है, आप उस एनर्जी के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में आ जाते हो, ठीक है? तो जब 8-8 पोर्टल ओपन होता है तो ये उस हायर रियल्म के साथ, उस हायर डायमेंशन के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाता है, जिस पोर्टल में अगर आप एंट्री करते हो, जिस वाइब्रेशन में अगर आप अपने आप को ट्यून करते हो ना, तो आप अपनी जो हायर सेल्फ है, जो हायर डायमेंशन की जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी के साथ आप अपने आप को डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है? तो ये जो पोर्टल है ना, ये साल में एक बार ओपन होता है, ठीक है? जो लोग एक्चुअली अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, उस हायर डायमेंशन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, इस टाइमिंग में आपको एक चांस मिलता है अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन में आने के लिए। तो आप अगर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपना इनोवा कर रहे हैं, अपना मेडिटेशन कर रहे हैं और अपने आप को इवॉल्व करते जा रहे हैं ना, तो आप आपकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन में आ जाते हो जब 8-8 पोर्टल ओपन होता है, ठीक है? मतलब आप लोगों को पता होगा कि ओरियन बेल्ट होता है और एक स्टार जिसे साइरस स्टार भी कहा जाता है, ठीक है? तो जो ओरियन बेल्ट होता है, जो ओरियन स्टार कॉन्स्टेलेशन होता है, उसके साथ जो साइरस स्टार है उसका अलाइनमेंट होता है, और ये जो तीनों स्टार्स है ना, इसका अलाइनमेंट सन के साथ होता है, ठीक है? तो जब ये तीनों अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो आपको एक ऐसा रास्ता देखने को मिलता है, जैसे कि आप आपकी हायर सेल्फ के साथ, अपनी जो हायर रियल्म के साथ आप कनेक्शन में आ जाते हो, सुपर सोल के साथ आप डायरेक्टली कनेक्शन में आ जाते हो, ठीक है? तो आप अगर कहीं पे स्टक होते हो या फिर अगर आपको अगर कोई फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो 8-8 पोर्टल ओपन हो रही है ना, इस पोर्टल में आपको बहुत सारे अबंडेंस मिलने वाली है। अबंडेंस का मतलब आप बस ऐसा मत सोचिए कि आपको बस पैसे ही पैसे मिलने वाली है, मतलब आपके ऊपर पैसों की बारिश होने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस, ठीक है? आपने अगर आपकी फाइनेंस के ऊपर काम किया है, आपने अगर कहीं पे मतलब बिजनेस कर रहे थे एंड वो पैसा कहीं पे फंस गया था, तो वो पैसा आपको मिलने वाली है, ठीक है? या फिर अगर आपका पर्सन आपको उनकी दिल की बात को नहीं बोल रहा था, या फिर वो आपको ऐसा लग रहा था कि वो आपसे आपको चीट कर रहा है, तो वो आपको अनकंडीशनल लव भी कर सकता है, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बहुत दिनों से कोई बीमारी में गो थ्रू कर रहे थे, जो बीमारी आपका क्योर नहीं हो रहा था, हील नहीं हो रहा था, तो ये जो टाइमिंग है ना, ये जो पोर्टल ओपन हुई है, इस पोर्टल की जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी में इतनी पावर है, ये एनर्जी आपको आपकी जो बीमारी है उसको पूरी तरह हील करने वाली है, मतलब आपको एक मेंटल पीस मिलने वाली है, ठीक है? इसको अबंडेंस कहते हैं, ओके? अबंडेंस का मतलब बस मनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम करिए, ठीक है? क्योंकि इस टाइमिंग में आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल विजडम आने वाली है, स्पिरिचुअल लाइट आने वाली है, डिवाइनल लाइट आने वाली है, ठीक है? मतलब जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो एनर्जी आपके अंदर डायरेक्ट फ्लो होने वाली है, ठीक है? आप अगर अपने अंदर बहुत सारे निगेटिविटी को पकड़ के रखोगे, तो वो लाइट जब आपके अंदर आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी, ओके? इसलिए आपको अगर कोई पोर्टल में एंटर करना होता है, तो उससे पहले आपको अपनी सारे निगेटिविटी को हील करना पड़ता है, ठीक है? इसलिए ही आप लोगों को पोर्टल के टाइम या फिर फुल मून न्यू मून के टाइम मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है, ताकि आपकी अंदर की जो निगेटिविटी है ये सरफेस में रिलीज हो सके। उसके बाद आप उस कॉस्मिक एनर्जी को अपनी 7 चक्रा में रिसीव करके, उसे हील करके, आप आपकी जर्नी में जहाँ भी स्टक है ना, वहाँ से आप आगे निकल सके, ठीक है? क्योंकि जब आपके अंदर स्पिरिचुअल विजडम आता है, डिवाइन लाइट आता है, तो वो जो लाइट है, वो लाइट आपको इस जर्नी में आगे जाने का, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, ठीक है? आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, ये एक्सपांड होती है, आपको
अंदर से पता होता है कि आपको इसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो आप अगर इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये जो पोर्टल ओपन हुई है, इस पोर्टल में आप ज़रूर मेडिटेशन करिए और उस डिवाइन लाइट को अपने अंदर रिसीव करिए, ठीक है। एंड उसके बाद आप अपनी जो भी, आप जहाँ पे भी इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, आप उस पर काम करिए। आप अगर फाइनेंस में बहुत वीक है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं है, तो आप अपनी सोलर प्लेक्सस को ज़्यादा हील करिए, ठीक है। क्योंकि आपकी जो सोलर प्लेक्सस की जो चक्र है ना, ये आपकी मनी रिलेटेड होता है, ठीक है। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को सही करता है, ठीक है। तो ये जो 88 पोर्टल ओपन हुई है, इसका भरपूर फ़ायदा आप उठाइए, ओके। एंड गाइज, इस 88 पोर्टल में आप और आपकी डिवाइन मास्कुलिन की बहुत सारी एनर्जी सरफेस में आ रही है, जिस एनर्जी को मैं कल एक वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है। उस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, वो नेक्स्ट एक्शन कब लेने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज मेरा कुछ सेशन है, तो अभी एनर्जी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग अपनी जर्नी पे आगे बढ़िए, और ये जो 88 पोर्टल का जो एनर्जी आज ओपन हुई है ना, इस एनर्जी को आप जितना हो सके ना अपने अंदर रिसीव करने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद आपको, आप खुद देखोगे कि आपको इस जर्नी में आगे जाने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये कॉस्मिक एनर्जी का टाइमिंग है, आप इस डिवाइनल लाइट को अपने अंदर ज़रूर रिसीव करिए, ठीक है।